स्वागत स्वागत सुमित। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। एक पार्टी, अभी हमारी वर्तमान सरकार से बहुत शिकायतें हैं कि हम वो सरकार, ये कानून नहीं ला रही है, ये जल्दी नहीं कर रही, वो निर्णय नहीं कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने धर्म को नष्ट करने के लिए 60 वर्षों तक बहुत सारे काम किए हैं, वो लोग उनको आधार बना करके वापस हम उनको अभयदान नहीं दे दिया जा सकता। उस पार्टी के नेता मुझे विमान में मिले कि आप हमारे खिलाफ कविताएं लिखते हैं, हमारे पक्ष में कविताएं लिखिए। सनातन धर्म संस्कृति का प्रचारक होने के नाते, उसका उद्घोषक होने के नाते, मैंने उनको एक कविता लिख करके बेची, 2.5 मिनट की कविता, और मेरा मन हो रहा है कि उस पार्टी तक पहुंचा दो इस पावन पवित्र मंच से, स्वागत, ताकि ये धर्म संसद जान ले कि देश की एक ऐसी बड़ी पार्टी जिसके नाम का परचम लहराया करता था, आज अगर एक एक वोट के लिए तरस रही है तो उसका कारण और कारण एकमात्र सिर्फ धर्म से विमुख हो जाना है। मैं अनुमति चाहता हूं, एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजा करके 2.5-3 मिनट की छोटी सी कविता पढ़ने की अनुमति दे। मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूं कि अब जो सुमित कविता पढ़ने जा रहा है, ये कांग्रेस के समर्थन में कविता है। तो कांग्रेस के समर्थन में हमारे मंच से कविता गुरुदेव कोई पढ़े और इतनी शिष्ट भाषा में पढ़े, वो वास्तव में कविता हो जाती है। एक बार अग्रिम तालियां बजाकर सुमित को आदेशित करें। सुमित, स्वागत है आपका। ना किसी के इस पर, तो आने वाले वर्षों में शायद लोग शोध करेंगे कि ये किसके पक्ष में थी और किसके विपक्ष में। कोई यहां पर उस पार्टी का प्रतिनिधि बैठा हो तो मुझे बता दे, मैं उसको समर्पित कर दूंगा। हालांकि बैठा भी होगा तो बताएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस ही होना इस समय इस देश में एक गुप्त रोग हो गया है, पूरब से लेकर, लेकिन एक अदृश्य उपस्थिति मान लेता हूं, क्योंकि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, आयु अब उसकी पर्याप्त हो चुकी है, उसके वापस आने की उम्मीद अब मत रखना, कांग्रेस इस देश से समाप्त हो चुकी है। अब मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि पूरब से, बैठ जाओ भाई, पूरब से लेकर पश्चिम तक, बड़े जागृत होकर के सुनना, सिर्फ 2.5 मिनट आपके बीच में हो, एक पंक्ति गलत पढ़ू आप मुझे टोक करके बिठा देना, धर्म संसद है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है, इसलिए आपको अधिकार है। पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा, आजादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा, जिसके नेता भारत के पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे, चाहे जिसको बौना करते, चाहे जिसको बड़ा किया, एरा गैरा तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया, हर घर में ही वोट तुम्हारे इसी देश में होते थे, सच कहता हूं सबके दादा कांग्रेस में होते थे। लेकिन वो थी कांग्रेस जो सच के संग में रहती थी, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी, जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, रूखा सूखा जो भी मिलता राम कलेवा करते थे, देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत माथा था, लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत माथा। बाकी के लोग सिर्फ क्या देखने के लिए आए हैं? आप भी भाई साहब कोशिश करो, आपके तो हाथों में जंग लग जाएगी, मैं शुरू से देख रहा हूं आपको, आप भी बजाते रहो। देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहते थे, जिसके लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत माता था, दुश्मन की छाती पर होता वार दिखाई देता था, इंदिरा जी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। वाह, शानदार। इंदिरा जी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था, हर घटना को वोटों की मंडी ना तोला करते थे, नेता सारे सोच समझकर ही मुंह खोला करते थे, उगते अटल बिहारी को भी मान दिया करते थे वो, वक्त पड़े तो देश की खातिर जान दिया करते थे वो। वाह, सत्य सनातन मान बिंदु को नोच नहीं सकते थे वो, राम सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते। वाह सुमित, वाह, कमाल, सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते थे लोग वो, कांग्रेस ही थी जो दिल से वंदे मातरम बोली थी, कांग्रेस ही राम जन्मभूमि का ताला खोली थी। बहुत बढ़िया। लेकिन अब 125 करोड़ हिंदुस्तान की अंतिम कुछ पंक्तियों में शिकायत सुन लेना, लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया, लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया। पूज्य गुरुदेव, थोड़ी सी तर्कों में असंगति इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारा तरीका ऐसा है कि हम किसी को जहर भी देते हैं तो गुड़ के साथ देते हैं। स्वागत। मैं वहां तक पहुंच रहा हूं महाराज जी। स्वागत महाराज जी, किसी व्यक्ति के कोट को मैं अपनी, मैं सब
पहली बार तो एक आदमी सही कविता पढ़ रहा है यहाँ पे। नहीं महाराज जी, मैं वहां तक पहुंचूंगा, आप एक मिनट धैर्य रख लीजिए, मैं आपकी बात का समर्थन कर दूंगा। एक मिनट मुझे धर्म। मैं सभी लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि सबके अपने विचार हो सकते हैं, सबके विचारों को सुने, लेकिन अपने विचारों को मंच से कोई व्यक्ति थोपे ना, कोई भी व्यक्ति हो। और गुरुदेव मैं निवेदन करता हूं, आप भी नीचे आ जाए। लेकिन वो गुरुदेव एक मिनट की अनुमति दे दो मुझे। इतनी बढ़िया कविता अपने जीवन में मैंने सुनी नहीं है, जो सच्चाई की परख कविता है। लोग एक पार्टी में रहते हैं, दूसरी को गाली देते हैं। सुमित ने वो कविता सुनाई है जो एकदम सबके दादा कांग्रेसी थे। वाह, मेरे भी विनोद जी बैठे हुए, इनके पिताजी कांग्रेसी थे नहीं तो बता दो। और हम कांग्रेस में सबके दादा कांग्रेस, उनने बिल्कुल सही कविता मैंने पहली बार जिंदगी में सुनी है। और आजकल जो फेसबुक पे गंदगी छाई हुई है उसके मुकाबले की ये कविता, भाई इतनी बड़ी कविता मैंने अपने जिंदगी में सुनी नहीं है। इस लड़के ने सच को सच कहा है, जो सच है और जो पीड़ा है वो पीड़ा भी बताई है इस लड़के ने। मैं बहुत दिल से इसका सम्मान करता हूं। भाई एक माला दो, बाला पहनाते। सुमित, अगर सरकारी सम्मान के रूप में आपको पद्मश्री मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए, मेरे गुरुदेव द्वारा दिया गया सम्मान, क्योंकि हर किसी को नहीं देते ये सबसे बड़े। एक बार जोरदार ताली आप सुमित के सम्मान बजाए। वास्तव में सुमित ने सच्ची बात की, अच्छी बात कही। मुझे ये धर्म सभा बहुत बढ़िया, तुम सुना रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अरे रुक जा, यहाँ पे ऐसे दिल से लगते हैं। सच कहने वाले लोग होने चाहिए, झूठ साले ताली वैसे बज जाते हैं। सच कहने वाले लोग होने चाहिए। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं शिकायत पढ़ रहा हूँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा हौसला बढ़ा है। स्वागत। लेकिन वो फौलादी तेवर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की शिकायत सबसे पुरानी पार्टी से, आपकी भी शिकायत हो मेरी भी शिकायत है तो फिर तालियों के ताल से मेरा समर्थन करना कि लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया। चिन्ह बदलते ही सारा किरदार तुम्हारा बदल गया। जनता के मन को ना जाना, तालियों का महोत्सव देखना चाहता हूं। सबसे साफ ताकत भर पंक्ति पढ़ रहा हूं कि जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना। वाह भाई वाह, भाई वाह सुमित। सिर्फ नमाजी बने रहे तुम, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम। मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना भूल गए। वाह, घोटालों घपलों वाला किरदार दिखाया इसीलिए, तुष्टीकरण को सत्ता का औजार बनाया इसीलिए। और महाराज जी अगली पंक्ति फिर मैं निवेदन के साथ पढ़ रहा हूं कि गौचर भूमि खैरातों में बटवाई थी इसीलिए, और गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए। गौ भक्तों पर गोली तुमने, वो नरसंहार दिल्ली में कोई नहीं भूल सकता। महाराज जी, महाराज जी भी खुश हो गए। देखो महाराज जी अब आए खुश आए। एक बार जोरदार गौ भक्तों पर गोली तुमने। वाह सुमित वाह। गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए, यही काम तो कांग्रेस का काल हुआ है भारत में, और शिखर से शून्य हुए हो हाल हुआ है भारत में। कांग्रेस को वंशवाद का अंश बनाकर रख डाला, भारत जैसे लोकतंत्र पर दंश बनाकर रख डाला। ये जो बाहें ऊपर करके किसके ऊपर बरस रहे हो, और इस बात का पप्पू से कोई संबंध नहीं है। इस बात का किससे संबंध है अमित, इस बात का किससे संबंध है मैं बताता हूं। स्वागत। वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है। वाह, वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है, उसे मैदान भी दे दो वो कोना बना सकता है। और हमारे देश में एक ऐसा भी अजूबा है जिसे आप आलू दे दो, जिंदाबाद मेरे से। बहुत
ये जो बाहें ऊपर करके, ये जो बाहें ऊपर करके किसके ऊपर बरस रहे हो, खुद का ही मूल्यांकन कर लो, क्यों वोटों को तरस रहे हो। और अगर वर्तमान में गुरुदेव ने मुझे सच के लिए आशीर्वाद दिया, इसलिए एक पंक्ति झूठ नहीं बोलूंगा। 4 साल बीत गए हैं, 1 साल शेष है, हमने बहुत विकास देख लिया, आगे देख लेंगे। देश वो देखना चाहता है जिसके लिए आपको चुना था। वाह 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 सर, बोलिए बात ये बोला घर वर्तमान में अगर वर्तमान में भाजपा भी ये गलती दोहराएगी तो इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो जाएगी। वाह वाह भाई वाह, इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो जाएगी, इतिहासों के शिलालेख में। यहां ये कविता पूरी हो गई थी, बहुत शानदार सुमित, वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुमित को आशीर्वाद दे, गुरुदेव का दोबारा आशीर्वाद मिला है, आज सुमित माला माल हो गया। वाह कहने की कोशिश कर, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, जो मैं सुनना चाहता हूँ।